आकिफ, एक ट्रक है जो हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तैयार हो जाओ दोस्तों, खेल शुरू होने वाला है। अगर उन्हें जरूरी काम है तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मैं अपने फ्रेंड से उन्हें मिलवाना चाहती थी, मैंने उनसे वादा किया था। अगर यहाँ कोई भी हंगामा किया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो उसे, तुम्हें पता है ना कि मेरी बेटी मेरी जान है। बहुत खूब, मेरा भाई भी मेरी जान था। फायर करो, सरेंडर नहीं करना। तुम लोग मेरे साथ आओ। नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मदद फरमा। बाकी कितने रह गए बाल्टा? बस एक और रह गया भाई। चलो इसको भी पकड़ते हैं। ठीक है भाई। जमाल, तुम यहीं रुकोगे, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है चबू भाई, चलो अब। सेवो भाई, मैंने पकड़ लिया इसे। फिक्र मत करो, तुम नहीं मरोगे, समझ गए? सब कुछ कंट्रोल में है ना भाई? कार्लोस और राकेश भाई का क्या बना है? मुझे नहीं पता बाल्टा, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ ताकि वो इनको लेके जाए। इधर देखो जरा, पड़े रहो आराम से। भाई, क्या हुआ? भाई, इसने मेरी शर्ट के अंदर बम डाल दिया। बाल्टा, मुझे बम निकालने दो। कुछ नहीं होगा, बम निकालने दो। करो बाल्टा, हिलो मत, मैं कह रहा हूँ, मुझे बम निकालने दो। रुको बाल्टा, फंसा गया मेरे हाथ में, हिलो मत। बाल्टा हिलो मत, वरना ये यहीं फट जाएगा। ये देखो, नीचे बैठ जाओ। मुझे लगता है तुम नहीं चाहते कि तुम सलामत रहो। अब बताता हूं मैं तुम्हें कि मैं क्या चीज हूं, जानना चाहोगे ना? मैं ऐसा नहीं कर सकता, अंदर बच्चे भी हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं, लेकिन पहले तुम्हें बच्चों को छोड़ना होगा। प्रशांत, उठो, इधर आओ। मुझे छोड़ दे अंकल, सीधा चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे अंकल, जल्दी चलो। शाबाश, तुम बहुत अच्छा सोचते हो, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हो टीम वन। हम यहां से अपनी मर्जी से जाएंगे। कटिया लोग, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है, शैतान हो तुम लोग, शैतान। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा, अपने प्यारे हबीब के सबके मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, इन मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा, जो मैं नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। ऐ परवरदिगार, करम फरमा, अपने प्यारे हबीब के सबके मेरी मदद फरमा।
दे या रब। जिससे मैं दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं। अरसलान, चलो सब बच्चे इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ आराम से। रुको, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने कहा रुक जाओ, रुक रुक जाओ। चलो निकलो यहां से, भागो। चलो चलो भागो यहां से। रुको, कहां जा रहे हो? हथियार फेंक दो, वरना इसकी जान ले लूंगा। मैंने कहा रुक जाओ। बाहर निकलो, कहां छुप गए हो? मेरे सामने आओ। आज तुम मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते। मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? मैं इसे मार दूंगा। तुम किधर जाओगे? तुम मुझे जानते नहीं। वैसे भी मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। हिलना मत, अपनी जगह पर खड़े रहो। पीछे हट जाए। मारो 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 इसे, बस छोड़ दे इसे। ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, छोड़ दो इसे। मारो, बस बहुत हो गया, छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, बस बस करो। ठीक है, आप सब लोग रिलैक्स हो जाएं। आप अच्छे वक्त पर आए हैं, अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन अब बस करें। हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? इसने हमारे दोस्त को मारा है। मानता हूँ मानता हूँ, लेकिन आप मस्जिद में हैं। हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए और ना ही कोई गलती करनी चाहिए। देखिए, हमें इसे पुलिस के हवाले करना होगा। अदालत में जाकर ये हमें बहुत कुछ बताएगा। कम से कम हमें इसके मुंह पे थूकने दे। थूकने से क्या होगा? क्या होगा? आपके अंदर का गुस्सा खत्म हो जाएगा। हम इसके किए की इसको सजा देना चाहते हैं। देखें, इसे इसके जुर्म की सजा अदालत से जरूर मिलेगी, यकीन करें। ठीक है, देखें, आप लोगों को गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, और मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। हेलो,
बचाओ बचाओ, मदद करो कोई मेरी, बचाओ। बॉस वो भाग रही है। भागने तो कहां तक भागेगी। बाबा प्लीज आ जाए। देखा कितना बाकी है, जाओ उसे ले आओ, लेकिन ध्यान से कुछ गलत ना हो, कहीं मुसीबत ही ना बन जाए। भूख लगी है क्या? लगी होगी, कब से कुछ नहीं खाया। साले भाई परेशान ना हो, हम नाजली को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। ये हमारे लिए कौन सा नया काम है? तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, उसे छोड़ देता पर मेरा दिल नहीं मानता। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ किया। अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं, जब मैंने कुछ करना होता है तो कर देता हूँ, किसी का नहीं सोचता। देखो मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे बताओ कहाँ आना है, अकेला आऊंगा बिना हथियार के, तुमने जो कहना है मुझे कहो। तुम लोगों ने सबसे कीमती चीज छीनी है मुझसे, अब मैं चाहता हूँ कि तुम सबके साथ भी ऐसा ही हो और होगा। तुम्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है? ऐसा करता हूँ, तुम्हारी बेटी के बाल तुम्हें भेज देता हूँ, उन्हीं को देखकर अपनी बेटी को याद कर लिया करना। घटिया इंसान। आके भाई, मेरे पास आपके लिए दो खबरें हैं भाई। पहली खबर बताओ। मैं इसके बॉस को पकड़ नहीं पाया। और दूसरी खबर? मजर नामी आदमी ने साले भाई की बेटी को अगवा कर लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम सबको मेरे भाई की मौत का हिसाब देना होगा, अपने प्यारों को बचा लो मुझसे। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं देख लूंगा तुम्हें। लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। मुझे गुस्सा दिलाओगे तो कुछ भी हो सकता है, दोबारा फोन नहीं करूंगा। सुन लिया तुमने? अरे चुप करो, बस करो। छोड़ो छोड़ो मुझे। इसे तमीज सिखा दो। मेरी बात सुनो, मैं इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि तुम बच्ची हो। बहुत बदतमीज है ये। इसे अहमद के पास छोड़ दो, वो भी बोर हो रहा होगा, उसे कंपनी मिल जाएगी। आओ शहजादी मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। बस बस बस। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। जाओ अहमद को अंदर लेकर आओ। ठीक है भाई। पता नहीं क्या होगा मजर भाई का, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे तो जरा भी डर नहीं लगता उनसे। क्या है तुम्हें, क्या बक रहे हो? मैं बस कह रहा था कि मौत से डर नहीं लगता। किसी की मौत की छोड़ो, खुद की मौत की फिक्र करो। हाँ मजर भाई, बस एक दफा माफ कर दे, दोबारा नहीं मिलेगी, जो कहा जाता है वही करो। चलो निकलो यहाँ से। खुश आमदीन मजर भाई। शुक्रिया। ये फिरोज कहाँ रह गया, कोई खबर नहीं आई? नहीं भाई अभी कोई खबर नहीं। हाँ वो आ गया। कहाँ रह गए तुम, मैं फिक्रमंद हो रहा था। भाई क्या बताऊँ आपको, वहाँ टीम वन आ गई थी। या तो हमारे आदमी पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, मैं बचकर निकल आया हूँ। कल क्या करेंगे, कौन करेगा ये कार्रवाई? भाई पता नहीं, लेकिन आप हमारे लोगों से उम्मीद मत रखो। मुझे कम से कम चार लोग चाहिए, चार मुख्तलिफ जगह से फायर करेंगे ताकि वो हमें निशाना ना बना सके। कार्रवाई कहाँ करनी है? ईमान चौक में। मैं कल तक आदमियों का इंतजाम कर लूंगा, आप फिक्र मत करो, आप बस हिम्मत रखें। कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। हमें अफसोस है भाई कि हम आपकी बेटी को नहीं ढूंढ सके, आप फिक्र ना करें, अल्लाह के हुक्म से ढूंढ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ ठीक हो जाएगा साले भाई। शुक्रिया तुम्हारा पाशा। कोई खबर मिली उसकी? उसी का इंतजार कर रहे हैं पाशा। आप फिक्र ना करें साले भाई, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा।
अगर उन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया या उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो कुछ नहीं होगा साले भाई, आप ऐसा मत सोचिए। कैसी बातें करते हो, तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। यास्मीन आप रिलैक्स हो जाएं। ये सब इसी की वजह से हुआ, मैंने इससे तलाक भी ले ली मगर फिर भी इसकी वजह से मेरी बच्ची मुसीबत में आ गई। देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो। क्या कहा, मैं तंग कर रही हूँ, तुम तो बेकसूर हो। यास्मीन आपा रिलैक्स हो जाएं प्लीज, ये इन बातों का वक्त नहीं है। यास्मीन आपा प्लीज, बस मेरी बेटी मुझे मिल जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। सुना तुमने, कभी नहीं मिलूंगी। कोई बात नहीं, इस वक्त गुस्से में है, आप बैठिए बैठिए, ये वक्त लड़ने का नहीं है। साले भाई चले गुस्सा ठंडा करें, आ जाइए। खुल जाओ प्लीज, खुल जाओ जल्दी से, खुल जाओ प्लीज। तुमने मेरे भाई को तंग तो नहीं किया? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोले। ये आदमी तो मर गया है, कुछ दिन तक इनसे स्मेल आने लग जाएगी। ये लो खाओ। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? मेरे बाबा ने मुझे आज तक हरामने वाला नहीं खिलाया, मैं इसलिए नहीं खाऊंगी। हर काम की शुरुआत करनी पड़ती है छोटी मैडम। भूख से मर भी गई तो नहीं खाऊंगी मैं। ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो अहमद खा लेगा, है ना अहमद? काफी मोटे हो गया तुम, चलो डॉक्टर से मशवरा करते हैं। इसको किसी और कमरे में रख दो, मुझे डर लगता है इससे। क्यों डर रही हो, चलो जाके वहां बैठो। सर कुछ पता चला मेरी साले बेटी का? मेरा यकीन करो, मैंने पूरी टीम को इसी काम पर लगा दिया है। फिर? लेकिन कोई खबर नहीं मिली। क्या? वो आदमी जरूर नाजली के बदले कुछ मांगेगा हमसे। वो आदमी बिल्कुल पागल है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दुआ करो वो बहुत जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्या हमारा काम सिर्फ दुआ करना रह गया? इसके अलावा कोई चारा नहीं। यानी मैं समझ लूं कि आप लोग हार मान चुके हैं, यही बात है ना? नहीं हार नहीं, दुआ का मतलब उम्मीद होता है। आप जाकर वहाँ बैठ जाएं। तुम लोग दुआ करो या कुर्बानी दो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूँगी। देखो तुम अपनी हद पार कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। तुम्हें मेरी समझ नहीं आती, चली जाओ यहाँ से। साले भाई रिलैक्स हो जाओ प्लीज, आप नहीं जाओगी मैं। साले भाई कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बेटी नहीं मिली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। इसको बिठा दो। अल्लाह मुझे सब्र दे मेरे अल्लाह। आइए भाई आप इधर आके बैठिए, हौसला करें। शिकर है खुल गया। मज़र भाई कहाँ गई वो लड़की? यहीं कहीं होगी, यहीं पे थी, मुझे भी पता है। अब कहाँ है वो लड़की? बाय बाय।
इस चौक से जुलूस निकलेगा और ईमान चौक की तरफ जाएगा। हमारे स्नाइपर्स इन छतों पर बैठेंगे, ऊपर से फायर करेंगे। मेन चौक पर पहुंचने से पहले इनको खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ भाई। कंदील ने तुम्हें ट्रेनिंग तो दी है ना? ट्रेनिंग तो ली थी, लेकिन बहुत अरसा हो गया काम किए हुए। लेकिन आप फिक्र मत करें, काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। चलो देखते हैं, लोग हमें खुद मौका देंगे, हमें उससे सिर्फ फायदा उठाना है। ठीक है, हम काम कर देंगे। मेरे पास इस कार्रवाई के लिए एक और प्लान है। जब हम लोग वहां फायर करेंगे तो भगदड़ मच जाएगी, सब लोग भागकर मेन रोड की तरफ जाएंगे। और मेरा प्लान यह है कि मेन रोड की तरफ से उनको एक सरप्राइज दिया जाए। सरप्राइज? वो क्या? वो कल तुम देख लेना, सरप्राइज तो सरप्राइज है। काम खत्म होने के बाद हम लोग वहां से एक एक करके निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। आपने सब कुछ अरेंज कर लिया है ना? तुम लोग फिक्र ना करो, सब कुछ अरेंज हो गया है। अब हम सिर्फ उस्ताद को फॉलो करेंगे, वो हमें जो भी हुक्म देगा वही होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कान इधर से पकड़ो या उधर से, हमें तो बस काम से गर्ज है। चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे। शब बखैर। कल अहम दिन है, मुझे तुम पर फख्र है फिरोज। आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक होगा। फिरोज आएगा, जैसे ही आए मुझे बता देना। ठीक है भाई। तू ही मेरी मदद फरमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो देखो, लगता है कोई गाड़ी आ रही है। रुको 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 रुको, मदद करो मेरी, रुको। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। ओ खुदाया, यहाँ पास में तो कोई गांव भी नहीं है। क्या चल रहा है तुम लोगों? कोई है यहाँ पर? कोई मुझे सुन रहा है? क्या हुआ मजर भाई? कहाँ गई वो लड़की? यहीं कहीं होगी। यहीं पे थी, मुझे भी पता है। अब कहाँ है वो लड़की? वो बाहर टेरेस पे होगी। जहाँ भी है जल्दी ढूंढो उसे, और ढूंढे बगैर मत आना, वरना तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दबाओ जाओ यहाँ से। ठीक है, दबाओ जाओ। मुझे तो किसी रास्ते का भी नहीं पता, क्या करूं अब मैं? शुक्र है, लगता है कोई गाड़ी आ रही है। प्लीज रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ भाई, मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे अगवा कर लिया था। किसने अगवा किया तुम्हें? है एक पागल इंसान, प्लीज आप मेरी मदद करें, मैंने अपने बाबा के पास जाना है। यानी कि तुम वहाँ से भाग कर आई हो यहाँ? जी हाँ, मैंने टेरेस से छलांग लगा दी थी, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। आ जाओ, शाबाश, आओ चले।
तक पहुँचूंगी? घर जाने की बहुत जल्दी है बेटा। जी हाँ भाई, प्लीज गाड़ी जल्दी चलाए ना। ठीक है, हम तुम्हारे बाबा को अभी कॉल करते हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में सारी खबर देते हैं। आप मेरे बाबा को जानते हैं क्या? तुम्हारे बाबा टीम वन में होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वही है मेरे बाबा। हेलो, मैं शहरोज बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी बेटी मिली है। कहाँ से मिली तुम्हें? जंगल के रास्ते से मिली है। लड़की शहरोज को मिल गई, इसे फार्म हाउस ले आओ। ठीक है, ले आता हूँ। दिखाओ मुझे फोन, मुझे भी बाबा से बात करनी है। हेलो बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ठीक हो बेटी। ये मेरे बाबा नहीं हैं। अब खामोशी से बैठी रहो, अगर कोई चालाकी की तो मार डालूंगा तुम्हें। तुम कौन हो हाँ, और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अपनी जुबान बंद करो, नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। बाबा, खामोशी से बैठी रहो, ये क्या मनहूसों की तरह रो रही हो? अस्सलामुअलैकुम, मैं आकिफ हूँ। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। माइंड ना कीजिएगा, ये हमारा काम नहीं है, इससे कुछ पूछना है इसलिए हम आए हैं। जनाब, हमारे भाई की बेटी अगवा हुई है, जेल में जितने लोग यहाँ बंद हैं, हमें इनसे इस बारे में बात करनी है। बस यही पूछना है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ए, तुम किस लिए इस्तांबुल आए हो? हम घूमने आए हैं, ये जगह पहले मैंने कभी नहीं देखी, और कोई बात नहीं है। यकम मई पे क्या प्लान था तुम्हारा, बोलो क्या करने वाले थे? भाई सीना की कॉल है, दो मिनट बात। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। हेलो सीना, कैसी हो? तुम आखिर चाहते क्या हो कार्लोस? अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अब मैंने क्या किया है? और क्या करोगे तुम? पहले कहा था हाथ मांगने आ रहा हूँ, फिर तुम आए ही नहीं। आज का दिन कैसा गुजर है मैं बता नहीं सकता सीना, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो फिर कल हम दोनों अपने लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए भी सूट लेने हैं। कल थोड़ा मुश्किल है। क्यों? कल फर्स्ट में है और हमारी ड्यूटी है, तुम तो सब कुछ जानती हो सीना। तुम्हारा नाम क्या है? जो कुछ भी पता है बता दो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, जल्दी बोलो। बोलो, बोलते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, इससे पहले कि तुम्हारी जान निकल जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो फिर कब करनी है? एक दो दिन में चलते हैं। ठीक है, तो कल फिर यकम मई है, तो मैं तुम्हें मार्च में मिलूंगी। मार्च में क्यों सीना? क्योंकि मैं हर साल इस मार्च में हिस्सा लेती हूँ। वो क्यों? सच में कार्लोस, तुम बहुत पागल हो, मैं तो वहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आऊंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। क्या करूँ, अब दूर नहीं रहा जाता, तुम कुछ करो ना कार्लोस। तुम इतनी बेकरार क्यों हो रही हो सीना? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तूने मुझे सीना जैसा खूबसूरत जीवन साथी दिया है। छोड़ो मुझे। ले जाओ इसे, इसे रस्सी से बांध दो, अगर ये भाग गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाई, आप फिक्र मत कीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। खामोश, मुझे क्या किया, दूसरा काम हुआ कि नहीं? ये लड़की है भाई, इसका नाम सीना है, ये टीम वन के ऑफिसर कार्लोस की मंगेतर है। खूबसूरत है, इसको भी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। जनाब आप बस एक बार हुक्म तो करें, मेरे पास इसके बारे में सारी मालूमात है। वेरी गुड। क्या हुआ भाई, इसने कुछ बताया? नहीं कार्लोस, ये कुछ नहीं बता रहा, क्या करें, चलो फिर खुद ही कुछ करते हैं। ठीक
ठीक है कि भाई जैसा आप कहें। ऑफिसर अगर इजाजत दें तो मैं बात करूं, आपके लोग बहुत नाजुक हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? ऐसी बात नहीं है, हमारा इदारा यूरोपियन यूनियन के अंडर काम कर रहा है। अच्छा, कुछ तकाजे हैं सर। लेकिन टीम वन यूरोपियन यूनियन के मातहत नहीं है। मुझे भी इस दोस्त से एक सवाल करने दें। ठीक है, पूछ सकते हैं। कार्लोस ये रखो। बेस्ट ऑफ लक आके। शुक्रिया। सुनो, तुम लोग बाहर आ जाओ, टीम वन का ऑफिसर अंदर आ रहा है। हाँ दोस्त, ये ले जाए, इसकी जरूरत नहीं। तुम फिर आ गए हो? हाँ आ गया। क्या सर आकिब स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हैं? कोई खास ट्रेनिंग ली है? ऐसी कोई बात नहीं ऑफिसर, ये इनकी खूबी है। कैसे बताऊं, आकिब भाई थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े सख्त मिजाज भी हैं, समझे? तो मैंने कभी भी समझ नहीं पाओगे ऑफिसर। इन्हें समझना इतना मुश्किल है क्या? ये बिल्कुल अलग है। तुम्हें क्या लगता है मुझसे सब कुछ पूछ लोगे? बहुत बुरी बात है, लगता है तुम्हें कोई इंसानियत नहीं सिखाई गई। हाँ नहीं सिखाई गई। यानी मैं ये समझ लूं कि तुम्हें पहाड़ों पर बदतमीजी सिखाई जाती है, तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी जाती है। अपना वक्त जाया मत करो, मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते तुम। जब पूछूंगा तो तुम जरूर बताओगे। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। एक बार फिर सोच लो। तुम्हारा हाथ तो बहुत भारी है। उठो, उठ जाओ। बोलो यहाँ किस लिए आए हो? जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कैसे नहीं बोलोगे? चलो बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? जो कुछ भी पता है बता दो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जल्दी बोलो। बोलो। बोलते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, इससे पहले कि तुम्हारी जान निकल जाए। बोलो। फिक्र ना करो, ये अभी सब कुछ बोलेगा। बोलते हो कि नहीं? हम मजदूर हैं, हमें हमारा हक दो, यकम नहीं जिंदाबाद। हम मजदूर हैं, हमें हमारा हक दो, यकम नहीं जिंदाबाद। हम मजदूर हैं, हमें हमारा हक दो, यकम नहीं जिंदाबाद। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो बेवकूफ? हम मजदूर हैं, हमें हमारा इधर साइड में आओ। भाई आखिर अब क्या हो गया है? किसी को शक नहीं होना चाहिए। समझ गया भाई। सुनो, जब सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए तो अपनी अपनी छत पर चढ़ जाना। मैं समझ गया। मैं भी समझ गया भाई। देखो अपनी आंखें खुली रखना, अगर कोई गलती हो जाए तो कोई किसी को नहीं जानता। समझ गया। ठीक है भाई, तो निकालो अपने सर से, किसी को शक मत होने देना। चलो बॉस, उस आदमी ने बताया कि 1 मई को शहर में खून बहने वाला है। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये नहीं बताया। उसे कुछ पता है? ये वो भी नहीं जानता। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। खैरियत साले, किससे बात कर रहे थे? चीफ की कॉल थी, वो पूरी टीम को शुक्रिया कह रहे थे। बेहतर होता तुम हमारे साथ ना आते। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। एक तरफ मेरी बेटी है और एक तरफ इस मुल्क के दुश्मन जो इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ क्या होने वाला है हमें कुछ मालूम नहीं। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हैं। ये लोग जो कुछ भी करते हैं इन्हें करने दो, हम इन्हें समझा नहीं सकते। तुम सब अपनी पोजीशंस लो। कार्लोस तुम अपनी जगह पर जाओ। जैसे आप कहें। बाल्टा तुम छत पर चले जाओ। तुम लोग 2 ग्रुप बना लो और ज्यादा रश में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है बॉस। चलो चलते हैं। हेलो, कौन? आप सीना बात कर रही है ना? जी सीना बात कर रही हूँ। मैं करमान सुनार बात कर रहा हूँ। आपके फियांसी ने आपके लिए एक रिंग ऑर्डर की थी। क्या रिंग? अच्छा, मंगनी की रिंग? जी हाँ। लेकिन उसने इस बारे में नहीं बताया। उफ अल्लाह, कहीं जल्दी में मैंने अपना कस्टमर तो नहीं खराब कर दिया?
शायद वो सरप्राइज देना चाहता है। हाँ हाँ, वो काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन आपने मेरा नंबर किससे लिया है? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कट के आ रही है। हेलो 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 हेलो, मुझे भी देखो, ऐसे ही कार्लोस को बातें सुनाती हूँ। हाँ सीना, जल्दी बोलो, मैं ड्यूटी पे हूँ। सरप्राइज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया कार्लोस। तुमने मेरे लिए रिंग नहीं बनवाई क्या? कौन सी रिंग? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। करामान सनार की तरफ से मुझे कॉल आई थी, वो कह रहे थे आकर रिंग ले जाओ। करामान सुनार? जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी को रिंग का ऑर्डर नहीं दिया। तुमने नहीं कहा तो फिर किसने कहा होगा? मैंने की थी खास आपके लिए। छोड़ो, कौन हो तुम? गुलाम को मजर कहते हैं। सीना चलो गाड़ी में बैठो। छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। चलो, उधर क्या हो रहा है? तुम किससे बातें कर रही हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, जल्दी करो। सीना ये सब क्या हो रहा है? तुम किससे बातें कर रही हो? हेलो हेलो,